जय माता दी। दोस्तों, माँ दुर्गा का दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस साल का पहला सूर्य ग्रहण बताने वाली हूँ, जो कि अप्रैल महीने में लगने वाला है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रहण अवस्था में हमें बहुत से कार्य नहीं करने चाहिए, तो दोस्तों ग्रहण के दौरान हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें भोजन नहीं पकाना चाहिए, ना भोजन ग्रहण करना चाहिए, और ग्रहण को हमें नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि हमें कुछ खाना पीना है तो ग्रहण लगने के पहले हम खा लें या पानी पी लें। ग्रहण के दौरान हमें पूजन पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए। अन्यथा आपको पूरे वर्ष, महीना या 6 महीना आपको किसी परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे खास बात है कि गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को इस अवस्था में बहुत ध्यान रखना होता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला को ध्यान रखें कि इस समय सोने की मनाही होती है। कहते हैं कि गर्भवती महिला को अपने पास एक नारियल रखना चाहिए। ये गर्भवती महिला को सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा हमारे धर्म में बताया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस साल ग्रहण कब लगने वाला है। तो दोस्तों, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को मध्य रात्रि रात को 12:15 से प्रारंभ होगी और समापन होगा 1 मई की सुबह 4:07 पर। यह सूर्य ग्रहण आंशिक होगा। दोस्तों, अब हम यह जान लें कि ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जब ग्रहण लगता है तो उस समय आपने जो भी कपड़े पहने हों तो उन्हें दान कर देना चाहिए या वस्त्र बदल लेना चाहिए, तथा इसके साथ आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। इसका बहुत महत्व होता है। साथ में घर के मंदिर को स्वच्छ करना चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए, तथा गाय को चारा खिलाना चाहिए और घर के सभी कोनों में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर के नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है और आप उसके बाद पूजा पाठ कर सकते हैं, और उसमें भगवान से क्षमा याचना भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। और अपने विचार हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।